वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज है 11 मार्च 2022 और 11 मार्च 2022 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं तो आज उनका डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट टाइम आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग, राधे कृष्णा। और जो भी विद्यार्थी हमारे इस चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके पास लगे बेल आइकन का घंटा दबा लें ताकि हम जैसे ही वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और वीडियो लाइक शेयर कर देना और पीडीएफ आपको इसकी टेलीग्राम पर प्रताप क्लासेस सर्च करके वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ जाकर भी आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। तो आज हम बात करेंगे 11 मार्च की करंट अफेयर्स की। तो देखिए, पहला क्वेश्चन बड़ा ही शानदार। हाल ही में किस राज्य सरकार ने भारत की सबसे बड़ी 1300 सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया है? तो अब हमारी अब से ये क्लास सुबह डेली लाइव क्लास 7 बजे आपको मिलेगी, क्योंकि 7:30 बजे आपको नाना क्लासेज की राजस्थान करंट की क्लास मिलती है। तो इसलिए मैंने अब 7 बजे आपको अब लाइव क्लास मिलेगी डेली इंडिया करंट की। तो देखिए पहला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने भारत की सबसे बड़ी 1300 सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। कहाँ पर किया है? तमिलनाडु में। अभी क्या है, तमिलनाडु की राज्य सरकार ने भारत की सबसे बड़ी 1300 सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया है। तो देखो पूरी बातें क्या है, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है? एम के स्टालिन ने 150.4 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित भारत के सबसे बड़े 1300 सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया है। किसने? तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं एम के स्टालिन ने। इन्होंने क्या है, भारत के सबसे बड़े 1300 सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया। स्वच्छ ऊर्जा प्रदान करने के लिए तमिलनाडु के थूथुकुड़ी में दक्षिणी पेट्रोकेमिकल्स इंडस्ट्री कॉरपोरेशन लिमिटेड कारखाने में फ्लोटिंग प्लांट की स्थापना की गई है। तो ये थी, अच्छी तरह इसको पढ़ लेना। अब तमिलनाडु के राज्यपाल कौन है? एन रवि। कौन है? एन रवि हैं। और मुख्यमंत्री मैंने आपको बता दिया एम के स्टालिन। और तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। तो अभी 1300 सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया है चेन्नई में। और आपको पता है कि राजस्थान है वो सौर ऊर्जा के जो है मामलों में सर्वप्रथम टॉप पे आ चुका है पूरे भारत में। अगला देखो, हाल ही में ओलंपिक चैंपियन पोल वॉल्ट में नया विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया है? हाल ही में ओलंपिक चैंपियन पोल वॉल्ट में नया विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो ये बनाया है मोंटो डुप्लांटिस ने। किसने बनाया है? मोंटो डुप्लांटिस ने अभी ओलंपिक चैंपियन पोल वॉल्ट में नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। देखो पूरी बातें, स्वीडन के ओलंपिक पोल वॉल्ट चैंपियन आर्मंड गुस्ताव मोंटो डुप्लांटिस ने बेलग्रेड में वर्ल्ड इंडोर टूर सिल्वर मीटिंग में अपने ही विश्व रिकॉर्ड को 1 सेंटीमीटर से तोड़ने के लिए 6.19 मीटर की इसने दूरी तय की। और डुप्लांटिस ने फरवरी 2020 इंडोर में ग्लासगो में 6.18 का रिकॉर्ड बनाया है। और 22 साल के ये डुप्लांटिस का ये करियर का चौथा वर्ल्ड रिकॉर्ड है। तो अब इसने ये ओलंपिक पोल्ट वर्ल्ड में चैंपियन अमराट गुस्टाव ने क्या है, ये विश्व रिकॉर्ड के लिए इसने ये खिताब जीता है। अगला देखो, हाल ही में ग्रैंडिस कोची कैटोलिका इंटरनेशनल ओपन शतरंज टूर्नामेंट किसने जीता है? हाल ही में ग्रैंडिस कोची कैटोलिकी इंटरनेशनल ओपन शतरंज टूर्नामेंट किसने जीता है? तो ये भारतीय एल नारायण ने। किसने जीता है? भारतीय SL नारायण ने जीता है। और अब की बार ये प्रज्ञानंदा है जो पिछली बार टॉप पे थे, और अब की बार ये 2 नंबर पे रह चुके हैं। तो अभी ये खिताब जीता है SL नारायण ने। देखो पूरी बातें, शतरंज में भारतीय ग्रैंड मास्टर SL नारायण को इटली में आयोजित ग्रैंडिस कोची कैटोलिका इंटरनेशनल ओपन में विजेता घोषित किया गया है। और इस बीच उनके हम वतन आर प्रज्ञानंदा 2 नंबर पर रहे हैं। तो ये पिछली बार टॉप पर थे, इन्होंने कार्ल्स मेगरसन को रहा जो विश्व के 1 थे। अब की बार ये 2 नंबर पर रह चुके हैं जो सबसे ज़्यादा चर्चा में रहे। तिरुवनंतपुरम के 24 वर्षीय SL नारायण ने 2015 में ग्रैंड मास्टर का खिताब अर्जित किया। और ये भारत के 41वें ग्रैंड मास्टर हैं। कितने नंबर के हैं? 41वें ग्रैंड मास्टर के हैं, ग्रैंड मास्टर नंबर हैं। और अभी SL नारायण ने ये ग्रैंड मास्टर का खिताब अर्जित किया है। तिरुवनंतपुरम की है ये 24 वर्षीय। अगला देखो, हाल ही में CISF स्थापना दिवस कब मनाया गया है? तो अभी CISF स्थापना दिवस मनाया गया है 10 मार्च को। कब मनाया गया है? 10 मार्च को। देखो पूरी बातें,
वर्ष 1969 में CISF की स्थापना 10 मार्च को हुई थी और CISF अधिनियम 1968 के तहत 3 बटालियन का गठन किया गया था। तो अभी 1969 में इसकी स्थापना हुई 10 मार्च को और अभी इसके तहत 3 बटालियन का गठन किया गया जिसमें भारत की संसद द्वारा पारित किया गया था। यह केंद्रीय गृह मंत्रालय के तहत काम करने वाले भारत के 6 अर्धसैनिकों बलों में से एक है। तो ध्यान रखना जो CISF है वो मंत्रालय के तहत काम करने वाले भारत के 6 अर्धसैनिक बलों में से एक है। अब CISF के महानिदेशक कौन है वर्तमान में? सील वर्धन सिंह। कौन है? सील वर्धन सिंह। इसको आप अच्छी तरह से याद रखना। अगला देखो, हाल ही में किसके द्वारा विश्वकर्मा राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया है? बड़ा ही शानदार क्वेश्चन। हाल ही में किसके द्वारा विश्वकर्मा राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया है? ये किया गया है भूपेंद्र यादव जी के द्वारा। किसके द्वारा? भूपेंद्र यादव जी के द्वारा अभी विश्वकर्मा राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया है। देखो पूरी बातें, विश्वकर्मा राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदर्शन 2018 के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार और प्रतियोगिता वर्ष 2017, 18 और 19 और 20 के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार आज केंद्रीय श्रम और रोजगार, पर्यावरण और वन जलवायु मंत्री कौन है? भूपेंद्र यादव द्वारा प्रदान किए गए हैं। तो इसको आप अच्छी तरह से पढ़ लेना। अभी हमारे रोजगार, पर्यावरण और वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं भूपेंद्र यादव द्वारा। ये अभी जो है पुरस्कार प्रदान किए गए हैं, विश्वकर्मा राष्ट्रीय पुरस्कार। अगला देखो, हाल ही में भारतीय वायुसेना अकादमी का कमांडेंट किसे बनाया गया है? तो भारतीय वायुसेना अकादमी का कमांडेंट किसे बनाया गया है? ये बनाया गया है बी चंद्रशेखर को। किसको बनाया गया है? बी चंद्रशेखर को। देखो पूरी बातें, अति विशिष्ट सेवा मंडल से ये सम्मानित हैं। ये सम्मानित एयर मार्शल बी चंद्रशेखर को भारतीय वायुसेना अकादमी का कमांडेंट बनाया गया है। तो अभी इनको बनाया गया है और ये कहाँ के निवासी हैं? तेलंगाना के ये मूल निवासी हैं। और भारत के राष्ट्रपति ने एयर मार्शल को उनकी मेधावी सेवा और उच्च स्तर की व्यावसायिकता के लिए 2020 में अति विशिष्ट सेवा पदक के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार, राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो अभी अच्छी तरह से इसको पढ़ लेना। तो भारतीय वायुसेना अकादमी का कमांडेंट नियुक्त किया जा चुका है। किन को? बी चंद्रशेखर को। अगला देखो, हाल ही में बोध गया में किस भगवान की दुनिया की सबसे लंबी प्रतिमा बन रही है? तो बोध गया में किसकी बन रही है? तो बन रही है भगवान बुद्ध की। किसकी बन रही है? भगवान बुद्ध की। अभी क्या है, बोध गया में दुनिया की सबसे लंबी प्रतिमा बन रही है। तो उनकी मूर्ति सबसे बड़ी है बोध गया बिहार में। देखो, बोध गया में भगवान बुद्ध की शयन मुद्रा में दुनिया की सबसे लंबी प्रतिमा बन रही है। बुद्ध इंटरनेशनल वेलफेयर मिशन द्वारा निर्मित यह प्रतिमा 100 फीट लंबी और 30 फीट ऊंची होगी। तो अब आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि 100 फीट ये लंबी है और 30 फीट ऊंची है। मूर्ति में भगवान बुद्ध शयन मुद्रा में है। क्या है? वो शयन मुद्रा में है। और विशाल प्रतिमा का निर्माण वर्ष 2019 में हुआ था। कब हुआ? वर्ष 2019 में हुआ था विशाल प्रतिमा का निर्माण। भगवान बुद्ध की इस मुद्रा की मूर्ति उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में है जहां उन्होंने अपने महापरिणाम को प्राप्त किया था। तो आप इसको भी पढ़ सकते हो कि महात्मा बुद्ध को महापरिणाम की प्राप्ति कहां हुई थी? तो उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में। अगला देखो, हाल ही में किस देश की रिजवाना हसन को 2022 के अंतर्राष्ट्रीय महिला साहस पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो अभी ये चुनी गई है बांग्लादेश की है, यानी कि बांग्लादेशी रिजवाना हसन को 2022 के अंतर्राष्ट्रीय महिला साहस पुरस्कार के लिए चुना गया है। देखो पूरी बातें, बांग्लादेशी पर्यावरण वकील रिजवाना हसन को 2022 के लिए अंतर्राष्ट्रीय महिला साहस पुरस्कार के लिए चुना गया है। पुरस्कार के लिए चयनित 12 महिलाओं को सम्मानित करने के लिए एक आवासीय समारोह 14 मार्च को ये आयोजित किया जाएगा। कब? 14 मार्च को अभी आयोजित किया जाएगा। तो अभी जो रिजवाना हसन को है अंतर्राष्ट्रीय महिला साहस पुरस्कार के लिए इनको चुना गया है और उनकी सक्रियता के लिए उन्हें 2012 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार भी मिल चुका है। तो इतनी बातें आपको याद रखनी है। अगला देखो, हाल ही में WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की स्थापना की अध्यक्षता किस शहर में हुई है? यानी कि WHO है जो ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की स्थापना जो है राज्य सरकार में, भारत को इसमें मंजूरी मिल चुकी है। तो अभी इसकी क्या अध्यक्षता किस शहर में हुई थी? ये हुई थी जामनगर गुजरात में। कहाँ पे हुई थी? जामनगर गुजरात में। देखो पूरी बातें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने
गुजरात के जामनगर में विश्व स्वास्थ्य संगठन ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की स्थापना को मंजूरी दी है। किसने? WHO ने। अब WHO की स्थापना कब हुई? 7 अप्रैल 1948 को। WHO के महानिदेशक कौन है? डॉक्टर टेड्रोस अदनोम गेब्रियसस। कौन है? डॉक्टर टेड्रोस अदनोम गेब्रियसस। WHO का मुख्यालय कहाँ पर है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में। तो अभी हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में क्या है कि जामनगर गुजरात में हुई थी और अभी विश्व स्वास्थ्य संगठन ये जो है मेडिसिन की स्थापना को मंजूरी दी गई है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में नो स्मोकिंग डे यानी कि धूम्रपान नहीं जो है मत बनाया जाए, तो नो स्मोकिंग डे 2022 कब बनाया गया है? तो ये बनाया गया है 9 मार्च को। कब बनाया गया है? 9 मार्च को, यानी कि धूम्रपान मत करें, नो स्मोकिंग डे, स्मोकिंग मत करो, तो इसलिए 9 मार्च को ये दिवस मनाया गया है। दुनिया भर में हर साल मार्च महीने के दूसरे बुधवार को नो स्मोकिंग डे मनाया जाता है और इस साल 9 मार्च को नो स्मोकिंग डे मनाया गया है। यह दिन उन लोगों की मदद के लिए मनाया जाता है जो धूम्रपान छोड़ना चाहते हैं। अब देखो, धूम्रपान छोड़ने से संबंधित नो स्मोकिंग डे कब मनाया जाता है? 9 मार्च को। धूम्रपान निषेध दिवस पहली बार वर्ष 1983 में आयरलैंड गणराज्य में इस बुधवार को मनाया गया था। तो पहली बार ये 1984 में क्या है, आयरलैंड गणराज्य में बुधवार को ये बनाया गया। तो अब की बार ये दूसरे बुधवार को नो स्मोकिंग डे बनाया गया है। हर साल 9 मार्च को ये मनाया जाता है। अगला देखो, हाल ही में ल्यूपिन ने अपनी शक्ति पहल के लिए किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो अभी ल्यूपिन ने अपनी शक्ति पहल के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया है MC मेरी कॉम को। किसको बनाया है? MC मेरी कॉम को। देखो, वेस्टविक फार्मा प्रमुख ल्यूपिन लिमिटेड, इसका पूरा नाम क्या है? वेस्टविक फार्मा प्रमुख ल्यूपिन लिमिटेड ल्यूपिन ने घोषणा की है कि उसे 6 माह की विश्व मुक्केबाजी चैंपियन मेरी कॉम को अपने शक्ति अभियान के लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में अनुमोदित किया है। तो अभी ल्यूपिन ने विश्व जो मुक्केबाजी चैंपियनशिप है MC मेरी कॉम, उसको क्या है, अभी शक्ति अभियान के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। और जिस विद्यार्थी ने अब तक ये PDF नहीं खरीदी है, तुरंत आप PDF खरीद लीजिए, आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही रामबाण साबित होगी। जनवरी और फरवरी दोनों की है। और जो भी विद्यार्थी राजस्थान 2021 की साल की करंट की PDF लेना चाहता है, वो भी इसी नंबर पे जो राजस्थान की लेगा उसको आपको 50 रुपये पे करने हैं। अगर आपको जनवरी और फरवरी की चाहिए दोनों, तो आपको 20 रुपये पे करने हैं। और एक चाहिए तो आपको 10 रुपये पे करने हैं। ये मेरा नंबर है, इस नंबर पे आपको Paytm, फ़ोनपे, गूगल पे की सुविधा है। इसके माध्यम से आप व्हाट्सएप के माध्यम से मुझे मैसेज करके आप ये PDF है जो खरीद सकते हो। आप इसका प्रिंट भी निकलवा सकते हो। और कल मैंने 9 बजे आपको करवा दिया, कंप्यूटर GK की क्लास मेरी चलती है डेली, एक दिन छोड़ के चलती है, तो आपको वो मैंने करवा दिया है। तो ये इतनी बातें आपको याद रखनी है। इसी तरह से मुझे लगातार चैनल के साथ आप बने रहिए। आप पिछले वीडियो का क्वेश्चन देखो, हाल ही में 6 क्रिकेट विश्व कप में भाग लेने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? 6 क्रिकेट विश्व कप में भाग लेने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बन चुकी है? तो मिताली राज। कौन बन चुकी है? मिताली राज। हाँ, आज बड़े ही कुछ एक विद्यार्थियों ने बड़े शानदार जवाब दिए थे। कुछ कल जो मैंने बताया था उसमें विद्यार्थियों ने जवाब नहीं दिए थे, तो कल मैंने आपको बताया था जवाब दीजिए मुझे कमेंट बॉक्स में, वरना ये जो पीछे सीरीज चल रही है उसके देने का मतलब भी क्या है, ये बंद कर देते हैं, इसलिए आप जवाब देते नहीं हो, जिसमें रूटीन भी नहीं बनता। अब देखो आगे, क्वेश्चन फॉर यू कल के लिए, हाल में भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास सिनलेक्स शुरू हुआ है? तो बांग्लादेश, श्रीलंका, ओमान और इजराइल। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और जितने भी युद्ध और अभ्यास हो चुके हैं इनको आप अच्छी तरह से पढ़ लेना, और वीडियो भी मैंने आपको इसका अलग से आपको उपलब्ध करवा दिया है। तो देखो हमारी यस्टरडे डोज क्या थी, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो वारन हेस्टिंग्स। कौन था? वारन हेस्टिंग्स। वर्ष 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत में कहाँ उतरा था? तो कालीकट में। कहाँ उतरा था? कालीकट। भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की? वास्को डी गामा ने। कब? 1498 में। वह अंग्रेज जिसने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट किया था? सर थॉमस रो। कौन था? सर थॉमस रो, जो जहांगीर के दरबार में आया था। पुर्तगालियों ने सर्वप्रथम भारत में सर्वप्रथम कहाँ फैक्ट्री स्थापित की? तो कालीकट बंदरगाह में। कहाँ पे की? कालीकट। पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? कालीकट में स्थापित की थी। ये पांचों ही क्वेश्चन बड़े शानदार थे और एक दो विद्यार्थियों ने बड़े शानदार जवाब दिए हैं। तो मुकेश कुमार जी हैं और एक दो विद्यार्थी और हैं, उन्होंने बड़े शानदार जवाब दिए। इसी तरह आपको कमेंट बॉक्स में लगातार मुझे मेरे साथ इस बने रहिए, आपका लगभग GK तैयार हो जाएगा, क्योंकि
आप जवाब नहीं देते हो उसका मतलब क्या हुआ मुझे पीछे क्वेश्चन देने से, क्योंकि आप जवाब दोगे तो मुझे भी रूटीन बनेगा कि लगातार मेरे साथ कुछ एक विद्यार्थी जो जुड़े हुए हैं। अब देखो नेक्स्ट डोज क्या है। भारत 1612 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर कौन था? बड़ा इमामबाड़ा कहाँ स्थित है? इसका शहर का नाम बताना है कि बड़ा जो इमामबाड़ा है वो कहाँ स्थित है। भारत का बादशाह उस समय कौन था जब ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? इन पांचों के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अच्छी तरह से इन क्वेश्चनों को पढ़ लेना। आने वाला एग्जाम क्वेश्चन यहाँ से मेरी बताई हुई यहाँ से क्वेश्चन आपके लिए एग्जाम में देखने को मिलेंगे, निश्चित तौर से यहाँ से आपको मिलेंगे। तो ये था वीडियो, जाते जाते वीडियो को लाइक शेयर कर देना। और लगभग शाम को आपको 9 बजे इसकी PDF मिलती है और ये PDF आप खरीद सकते हो। जनवरी फरवरी पूरे साल राजस्थान की मिल जाएगी। ये मेरा नंबर है तो इस नंबर पे आप खरीद सकते हो। तो कंप्यूटर GK की क्लास मेरी डेली चलती है एक दिन छोड़ के, तो 9 बजे आपको डेली एक दिन छोड़ के एक दिन क्लास मेरी मिलती है। तो लगातार चैनल के साथ आप बने रहिए। और B पार्ट मिलता है राजस्थान पुलिस का, तो लगातार उस चैनल के साथ आप बने रहिए। और सुबह मेरी 9 बजे मिलती है करंट रिविजन की। 2021 मैंने शुरू कर रखा है, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर यहाँ से मैंने शुरू कर रखे हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन निश्चित तौर से आपके लिए वीडियो मेंस एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। और यहाँ से ही क्वेश्चन मैं उठा रहा हूँ, राजस्थान पुलिस है चाहे वीडियो मेंस एग्जाम है उसके लिए जो करंट रिविजन है वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, राधे कृष्णा।